अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू studyhigh.pk एंड सब्सक्राइब कीप इन कॉन्टैक्ट फॉर मोर वीडियोज अबाउट इन डिटेल्स लेक्चर्स, हेल्पिंग मटेरियल, एडमिशन इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज etc. आज हम बात करेंगे अपने इन डिटेल्स सेशन में MD कैट केमिस्ट्री की। इसमें चंद इम्पोर्टेंट MCQs, फोर टाइप्स ऑफ MCQs विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम सॉल्व करेंगे। जबकि बायोलॉजी की बात करें तो उसमें फर्स्ट ईयर कम्प्लीट बायोलॉजी, सेकेंड ईयर के चंद लेक्चर अवेलेबल हैं। फर्स्ट ईयर में चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स, इसके अलावा चैप्टर ट्रांसपोर्ट के लेक्चर अपलोडेड हैं, वो आपने ज़रूर देखने। ये दोनों बहुत ही अहम चैप्टर हैं, तो जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिए वो एक मरतबा उनके लेक्चर को ज़रूर सुने। दूसरा, उसकी एक MD कैट बुक भी तैयार करके अपलोड कर दी गई है, तो जिन तालिबे इल्मों ने इनको ले लिया सपोर्ट के वो तो ठीक है, जिन्होंने अभी तक इसको नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, प्रोसेस, इसमें क्या क्या कुछ है, वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं MD कैट केमिस्ट्री चैप्टर 1 की MCQ प्रैक्टिस की, जो कि तलबा अगर थोड़ा सा भी इनको यूनिवर्सिटी वाले, ETA वाले, UHS वाले, NAMS वाले मॉडिफाई करते हैं तो तालिबिलों को, क्योंकि इनका बेसिक प्रोसेस नहीं आता होता सॉल्व करने का, इसको गलत कर देते हैं। सर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उन्होंने पूछा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की 204 ग्राम में एल्युमिनियम कितनी होगी, 26 ग्राम, 54 ग्राम, 108 ग्राम, 27 ग्राम। सो 204 ग्राम है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, उसमें एल्युमिनियम कितनी होगी। तो इस तरह के MCQ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इनके मोलर मास, मोल, इन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो पीरियडिक टेबल में आपकी इतनी ग्रिप हो, जो फर्स्ट 3 पीरियड हैं कॉलम में MCQ आते हैं, MCQ कैट जो उनसे एलिमेंट आते हैं उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का एग्जैक्टली आपको पता हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलर मास। तो 1 मोल के अंदर मोलर मास होता है इसका 102 ग्राम, जिसमें एल्युमिनियम के दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम हैं, तो इसका 54 ग्राम आता है। ऑक्सीजन के 3 एटम हैं तो इसका 48 ग्राम आता है, यानी 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन 102 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है 102 ग्राम, जिसमें 54 ग्राम एल्युमिनियम होती है, 48 ग्राम होती है ऑक्सीजन। सो इसमें 102 ग्राम में अगर आपसे पूछें एल्युमिनियम कितनी है तो वो है 54 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी है वो है 48 ग्राम। अब हम बात करते हैं कि 100 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में हमें पता लग गया कि 100 ग्राम में 54 ग्राम एल्युमिनियम है, तो 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितनी होगी, ये 54 को डिवाइड कर देंगे 102 के ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा। अगर हमारे पास 1 ग्राम हो एल्युमिनियम ऑक्साइड तो उसके अंदर एल्युमिनियम कितनी होती है, लेकिन उसने हमें पूछा है कि 204 यानी 204 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम कितनी है। हम दोनों तरफ 204 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसे अभी कैलकुलेट करते हैं, ये है हमारे पास कैलकुलेटर, 54 डिवाइडेड बाय 102, तो ये हमारे पास आता है 0.529। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 204 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 102। सो इस ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन, डी ऑप्शन, 108 ग्राम। तो ये तमाम चीज़ें आपने हैंड से सॉल्व करनी है, कैलकुलेटर से नहीं। तो इसको काफ़ी तलबा की प्रैक्टिस होती है, इजीली कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। इसके चंद तरीके होती हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कभी मौका मिला तो एंड टेस्ट से पहले पहले उसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ लॉस कंटेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP, द फ्लॉस कंटेन डैश मास। एक फ्लास्क है उसके अंदर SO2 गैस का 500 सेंटीमीटर क्यूब हमें बताया, हमने इस गैस का उस फ्लास्क के अंदर मास कितना है वो कैलकुलेट करना है। 40 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 1.427 ग्राम है। तो इस तरह के MCQ ये सेकंड टाइप के हैं जो कि पूछे जाते हैं वॉल्यूम के रिलेटेड। तो आपको स्टैंडर्ड वॉल्यूम कोई भी गैस है उसका 1 मोल हो तो उसके अंदर 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा, चाहे वो 1 मोल क्लोराइन के, ऑक्सीजन के, एल्युमिनियम के, किसी भी गैस के। सो किसी भी गैस का 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब,
या 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब की कन्वर्जन का ख्याल आपने खुद रखना है। तो इसका हमने मोलर मास कैलकुलेट किया, वो आया 64। सो 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो होता है 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना मास होगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कितना मास है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो आपने 22,414 को डिवाइड कर दें 64 के ऊपर, तो हमारे पास मास आ जाएगा, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्लास्क। सो ये हमारे पास आ जाएगा कि एक सेंटीमीटर क्यूब में सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना है, लेकिन हमने कैलकुलेट करना है 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। दोनों तरफ 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 22,414, तो ये हमारे पास मास आ गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का मास होता है 0.002855। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 500 के साथ ताकि हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का मास आ जाए, तो वो हमारे पास आ गया 1.42767। सो इस तरह से आपने इस टाइप के एमसीक्यूज पे ग्रिप हासिल करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। हु मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर कम्प्लीट कम्बस्चन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। ये थर्ड टाइप के एमसीक्यूज हैं जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि हमने ब्यूटेन के 2 मोल को कम्बस्ट करना है, उसके अंदर ऑक्सीजन के मोल कितने चाहिए होंगे, 2, 8, 10, 13। तो आपने सबसे मेजर जो बात है कि कोई भी कम्बस्चन का प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये होता है कि वो ब्यूटेन है, वो मीथेन है, वो कोई भी है, वो अल्कोहल है, वो कन्वर्ट हो रही है कम्बस्चन के ज़रिए CO2 में और H2O में। अब हमारी बॉडी में जो सा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करती है कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, फैट को, उसका भी फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसमें क्या होगा, ये आपने सिंपल फार्मूला लिख लिया, ये ब्यूटेन ऑक्सीजन ये प्रोसेस में कम्बस्चन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये फाइनल हमारे पास आएंगे। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस आपने कर लिया, आपने ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर लिए। उन्होंने पूछा है 2 मोल ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के पीछे 2 लगा दिया आपने, ठीक हो गया। इसके अंदर हमें कितने ऑक्सीजन के मोल चाहिए होंगे, अब आपने देखा ब्यूटेन के 2 मोल हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगी। सबसे पहले हम कार्बन के नंबर को बैलेंस करते हैं। इधर है 2 × 4, हमारे पास 8 कार्बन है, कार्बन की 8 है, इधर 1 है, हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके सामने है। सो हमने कार्बन को कर दिया बैलेंस। अब हम करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के 10 पीछे 2, 2 × 10 = 20, हमारे पास 20 टोटल एटम है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हाइड्रोजन के। इधर कितने हैं, इधर 1 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों बैलेंस हो गए। अब हमने करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। अब हम देखते हैं इधर ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल हैं, इधर 8 × 16 और ये 10, हमारे पास 26 ऑक्सीजन के एटम है राइट हैंड साइड पे। अब हमने इनको इक्वल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोई डिजिट ऐड करना है। इधर 2 है, तो 2 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 26। सो इस तरह से अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे 13 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो हमारे पास आ जाते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। सो 2 मोल ऑफ ब्यूटेन को कन्वर्ट करने के लिए हमें 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। सो इस तरह के एमसीक्यूज भी आपने सॉल्व करने हैं। ये अब 4 एमसीक्यूज, इफ 4 मोल्स ऑफ SO2 आर ऑक्सीडाइज टू SO3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। 4 मोल SO2 के ऑक्सीडाइज हो रहे हैं SO3 में, हमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल ऑफ मोल की ज़रूरत पड़ेगी, 0.4, 1.4, 1.2। इक्वेशन आपने लिखी SO2 इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज इनटू SO3, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी ये फार्मूला, ये प्रोसेस, ये इक्वेशन यूज होती है। SO2 को कन्वर्ट किया जाता है SO3 में, तो इसके हमें कितने मोल दिए हैं, 4 मोल।
यानी 4 मोल ऑफ SO2 कन्वर्टेड इनटू 4 मोल ऑफ SO3। इधर 4 है, सबसे पहले हम सल्फर को बैलेंस करते हैं, इधर सल्फर के साथ 4 है, इधर भी 4 लगा दिया, सल्फर हो गई हमारे पास बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हमारे पास इधर है 4, 3, 12 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे कितनी है 12 ऑक्सीजन के एटम है, लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो 4, 2, 8 इधर 2, ये होते हैं 10। तो इसके पीछे अगर हम 2 लगा देते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। सो इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब आप देखेंगे तो दोनों तरफ सल्फर ऑक्सीजन के एटम इक्वल हैं, तो 4 मोल ऑफ SO2 ऑक्सीडाइज हो रही है SO3 में, तो इसके लिए जो हमें ऑक्सीजन के मोल की ज़रूरत पड़ी थी वो थे 2 मोल। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। सो ये थे हमारे पास चंद क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो कि तुलबा को डिस्टर्ब कर सकते हैं वो तो बाद में करेंगे, लेकिन इस तरह से हम हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट MCQs, डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs जो कि तुलबा को डिस्टर्ब करते हैं उनको सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।